नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंच सके। अब अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हम डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चैप्टर पे हैं, जिसके हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं। आज इसके हम लोग कंसेप्ट करने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे एक दो कंसेप्ट और बचे हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने जो क्लासेस आपकी प्रीवियस अभी तक की जो क्लासेस डली है डिसोल्यूशन पे, प्लीज उन्हें अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट कवर्ड हैं विच विल रियली हेल्प यू, क्योंकि आप इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, उसकी टेंशन आप मत लो, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। आज भी हम कंसेप्ट ही कवर करने वाले हैं, हमारे लास्ट एक दो कंसेप्ट बचे हैं एंड फिर इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो आ जाइए। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डिसोल्यूशन चैप्टर में वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले ये समझते हैं कि होते क्या है। देखो जी, क्या होता है जब फर्म बंद हो रही होती है, जब एक फर्म बंद हो रही होती है तो क्या होता है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कैसे टाइप के खर्चे? देखो जी, असेट को बेचना पड़ेगा किसी डेटर इज एन असेट, उससे पैसे रिकवर करने तो उसके पास जाना पड़ेगा, भाई हमारे पैसे दे, उसमें खर्चा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। लिक्विडेटर अपॉइंट करना हो सकता है। व्हाट इज लिक्विडेटर, हु इज लिक्विडेटर? लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो फर्म को बंद कराने में हेल्प करता है, सारे असेट्स को बेच के, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करके, ये सारे काम संभालता है। तो हो सकता है उसे अपॉइंट करना पड़ जाए जिसके लिए हमें पेमेंट करना हो, या हम लिक्विडेटर अपॉइंट ना करें, हम पार्टनर को ही, मतलब जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स है उसी में से किसी पार्टनर को ये काम दे दे कि भाई ये पूरा डिसोल्यूशन आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है आप थोड़ी सी फीस ले लेना। ठीक है, पार्टनर उस चीज की क्या लेगा, फीस लेगा कि अब मैं इस फॉर्म को बंद करा रहा हूँ ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेटा से पैसे लेके आ रहा हूँ, सारा मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ कि अच्छा इस असेट के इतने पैसे आने हैं, इस लायबिलिटी का ये पेमेंट करना है, तो मुझे थोड़ी सी फीस दे देना। एक तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन ये सारी चीजें कि रिकवरी में खर्चे होते हैं, खर्चे जैसे डेटा के पास गए, उससे पैसे रिकवर किए, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, सारी अकाउंटिंग करनी है, सारी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना है, इस सब के खर्चे होते हैं, जिन्हें बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें ये तो हमने ये समझा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है, हमने क्या समझा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है, अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने वाले हैं। ओके, हम इसका क्या समझने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम कैसे करेंगे, उसको सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हेन फर्म हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा, जब फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। क्या डिसाइड हुआ, देखो ये एग्रीमेंट बनाते वक्त ही हो सकता है डिसाइडेड हो, मतलब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रही है उसी टाइम डिसाइड हो कि फ्यूचर में कभी भी फर्म बंद होगी तो उसको बंद करने के जो खर्चे हैं दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो फर्म करेगी, मतलब उसके लिए सभी पार्टनर जिम्मेदार हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो फर्म के नाम पे हो रहे हैं खर्चे। किसके नाम पे हो रहे हैं? फर्म के, जो सारे पार्टनर्स ने मिलकर जो पार्टनरशिप फॉर्म खोलिए उसके नाम पे खर्चे होंगे। ये एग्रीमेंट टाइम पे भी डिसाइड हो सकता है या जब एक्चुअली डिसोल्यूशन हो रहा है तब सारे पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। उसकी चिंता हमें नहीं करनी, हम क्यों चिंता करें, वो तो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में क्या लिखा है या फिर उन्होंने डिसोल्यूशन के टाइम पे आपस में क्या एग्रीमेंट किया है वो
उनका लुकआउट है, ओके बच्चा लो ठीक है। हमें तो साफ साफ दे दिया जाएगा, हमें साफ साफ दे दिया जाएगा कि फर्म हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, कि फर्म बेयर करेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, मतलब जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा है वो किसे उठाना है जी, फर्म को उठाना है, फर्म को उठाना है, ठीक है भाई। तो क्या दिक्कत है इसमें, अब ध्यान से सुनो, फर्म को उठाना है खर्चा और फर्म ने खर्चा उठा लिया, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। किसने किया है, फर्म ने किया है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने नहीं किया है, पूरी फर्म, फर्म के नाम पे पेमेंट हुआ है, ठीक है। फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ये चीज आपको पहले से ही बहुत क्लियर कराई है मैंने, है ना। तो अब फर्म के नाम पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या हुआ है जी, पेमेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हो पेमेंट। अब देखिए, पहली बात, फर्म को ही रियलाइजेशन का खर्चा करना था, हाँ मैम, खर्चा किया किसने है, फर्म ने ही किया है, एक्सपेंस का पेमेंट किसने किया है, बाय फर्म, फर्म ने किया है। अब एंट्री क्या होगी, देखो, पैसे जाएंगे तो बैंक तो क्रेडिट होगा, होगा, डेबिट किसको करें, सारे अकाउंट तो बंद हो चुके हैं, एक ही अकाउंट तो जिंदा है, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो भाई उसी को तो डेबिट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे खर्चे अब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही तो डाल रहे हैं, क्यों, असेट को बेच के सारे पैसे रियलाइजेशन अकाउंट में आए, उन पैसों से सारी लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, उन्हीं पैसों से सारे खर्चों का भी तो पेमेंट होगा, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट और बैंक होगा क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, क्लियर, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक बीइंग एक्सपेंस पेड, ठीक है, ये तो मैम बड़ी सिंपल एंट्री है, हाँ इतनी सिंपल है। आप देखो ट्विस्ट, एक्सपेंस पेमेंट बाय पार्टनर, अच्छा मैम ये क्या है, देखो फर्स्ट रियलाइजेशन का खर्चा उठाना किसको था, फर्म को उठाना था, फर्म को उठाना था, लेकिन उस खर्चे का पेमेंट किसने कर दिया, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने कर दिया, रियलाइजेशन का खर्चा फर्म को उठाना था पर उस खर्चे का पेमेंट किसने कर दिया, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने कर दिया, तो खर्चा किसका है, फर्म का, पेमेंट कौन कर रहा है, पर्टिकुलर पार्टनर, इतना क्लियर मैम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल होगा, खर्चा किसका है, फर्म का, सारे के सारे खर्चे हम किस अकाउंट में डाल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि सारे अकाउंट तो हम क्लोज कर चुके हैं, हाँ ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्लियर। अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, क्या फर्म ने पैसे दिए, नहीं तो टू बैंक तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्म पैसे थोड़ी ना दे रही है, ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम फर्म की बुक्स में करते हैं, तो फर्म तो पैसे दे ही नहीं रही है, नहीं दे रही है, तो फिर क्या करें भाई, आप बताइए क्या करें, क्रेडिट किसको करें, किसने पैसे दिए, पार्टनर्स ने, मतलब अब फर्म की जिम्मेदारी किसकी तरफ बन गई, पार्टनर की तरफ, पैसा जो भी पार्टनर देता है वो कहाँ क्रेडिट होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जो भी पैसा पार्टनर निकाल के ले जाता है वो कहाँ डेबिट होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इस केस में पार्टनर ने क्या किया है, पैसे दिए हैं, कैसे दिए, क्योंकि फर्म के नाम के खर्चे का पेमेंट किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने किया है, जैसे तीन पार्टनर है उसमें से किसी एक पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो फर्म के नाम का पेमेंट, जो खर्चा फर्म को उठाना था वो किसी पार्टनर ने उठा लिया, तो बाद में फर्म को देने तो पड़ेंगे, पार्टनर को देने पड़ेंगे, फर्म सब कुछ पार्टनर को कैसे देती है, पहले उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है, फिर फाइनली पेमेंट करती है, राइट। तो इस केस में क्रेडिट क्या होगा, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर, चलो आ जाओ सब, अब फिर से ध्यान से 2 मिनट में रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो,
रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसके खर्चे, ठीक है, एग्रीमेंट के टाइम पे ही या फिर जिस टाइम पे फर्म बंद हो रही है उस टाइम आपस में पार्टनर्स ने क्या एग्री किया है उस हिसाब से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट के टाइम पे या जब फर्म बंद हो रही है उस टाइम पे पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया था कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा फर्म उठाएगी, मतलब ये फर्म के नाम पे होंगे, ठीक है, तो पहले से ही ये है कि फर्म उठाएगी। अब फर्म उठाएगी खर्चा और फर्म ने ही खर्चा किया तो बड़ा बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, ये एक्सपेंस है, इसका पेमेंट हुआ है, लेकिन कोई अकाउंट खुला नहीं हुआ है, सारे अकाउंट बंद है, एक ही अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें जाएगा खर्चा क्योंकि असेट को बेच के भी सारा पैसा उसी में आ रहा है तो वहीं से सारा पेमेंट हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इट इज लाइक एन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंस है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में गए, इसलिए डेबिट क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, फर्म को खर्चा बियर करना था लेकिन उसका पेमेंट किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने किया है तो खर्चा तो फर्म का है, इसलिए अकाउंट डेबिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म को उस पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। और पार्टनर का पेमेंट कैसे होता है, पहले सारा अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, फिर फाइनली पेमेंट कर दो, डन, क्लियर, तो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट, इजी है, बहुत इजी, बस ध्यान से सुनते जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, चल आ जाओ। सेकेंड पार्ट है, व्हेन एनी पार्टनर हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट हमसे कहता है जब किसी पर्टिकुलर पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा उठाना था। मैम ये कैसे होगा, देखो जी, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना तभी आपस में पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, आगे जाके कभी भी अगर हमारी फॉर्म बंद होगी ना तो तू प्लीज रियलाइजेशन का खर्चा उठा लेना, उठा लेना, ठीक है, उसने बोला उठा लूंगा, ठीक है, वो उनका एग्रीमेंट है, हमें क्या उसका करना, या फिर जिस दिन फॉर्म बंद हो रही है उस दिन उन्होंने आपस में एग्री किया कि ठीक है तू रियलाइजेशन का खर्चा उठा लेना, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को बोला, अब ये उनका आपस में एग्रीमेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा, क्या दिया होगा, कि पार्टनर हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जी, सिंपल सिंपल सिंपल, पार्टनर, अब मतलब ये खर्चा किसका हो गया, पार्टनर का, फर्म का नहीं, पार्टनर का खर्चा हो गया, ठीक है, और पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, पार्टनर पेड, ठीक है, पार्टनर को खर्चा उठाना था और पार्टनर ने वो खर्चा उठा लिया, क्या खर्चा, फर्म का है, नहीं, पार्टनर को उठाना था, क्या पैसे फर्म ने दिए, नहीं, पार्टनर ने दिए, तो फर्म की बुक्स में क्या कोई एंट्री होनी चाहिए, नहीं, बस यही लॉजिक है, तो इधर होगी जी नो एंट्री, इधर कोई एंट्री हमें फर्म की बुक्स में करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, फर्म पेड द अमाउंट, अच्छा, डिसाइड हुआ था कि वो पर्टिकुलर पार्टनर खर्चा उठाएगा, जैसे एबीसी पार्टनर है तो बी उठाएगा, लेकिन क्या हो गया, बी ने पेमेंट नहीं किया, फर्म को ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ गया, ठीक है, ठीक है, क्या ये खर्चा फर्म का है, नहीं, तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या फर्म ने पेमेंट किया है, हाँ, मतलब पैसे गए, हाँ, तो क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। मैम डेबिट क्या होगा, सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब कोई पार्टनर फर्म को कुछ भी देता है
फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करती है, क्रेडिट की, तुम्हें हमें कभी तो ये पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसलिए आज तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट। जब फर्म किसी पार्टनर को कुछ देती है तो बोलेगी तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को हम कर रहे हैं डेबिट, कि जितना कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है हमें तुम्हें इतने सारे पैसे चुकाने हैं, हम इतने नहीं चुकाएंगे, हमने इतना पेमेंट कर, अब तुम्हारा पेमेंट हमने कर दिया है, रियलाइजेशन का खर्चा तुम्हें उठाना चाहिए था जो हमने उठा लिया है, तो अब तुम्हारा अकाउंट हम कर देंगे कम। कम कैसे करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर कर, सिंपल। क्लियर, दैट्स ऑल। ये ही पूरा रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट होता है। जब एग्रीमेंट में लिखा हो या डिसोल्यूशन के टाइम पे ये एग्री हुआ हो कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर रियलाइजेशन का खर्चा उठाएगा, ठीक है, और उस पार्टनर ने उठा भी लिया, तो ना वो खर्चा फर्म का है ना पेमेंट फर्म ने किया, तो फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, डन। लेकिन पार्टनर को उठाना चाहिए था खर्चा, पेमेंट फर्म ने कर दिया, तो क्या खर्चा फर्म का है? नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा, लेकिन पैसे तो गए इसलिए बैंक क्रेडिट होगा, बिल्कुल होगा। तो डेबिट क्या होगा? उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा उसका है जो फर्म ने उठाया है। तो जब कोई पार्टनर फर्म को कुछ भी देता है तब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, और जब फर्म किसी पार्टनर को कुछ भी देती है तब उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि अब उसका बैलेंस कम हो गया ना। जैसे फर्म को 10,000 चुकाने थे, अब उसमें से एक उसी पार्टनर को रियलाइजेशन के 1,000 रुपए देने थे, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म ने दे दिए, तो मतलब एक तरीके से उसके खर्चे का पेमेंट फॉर्म ने कर तो दिया, तो वो बोलेगी ना तेरे को 10,000 क्यों चुकाए, 1,000 तो तेरे से ही लेने हैं। समझो मेरी बात। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए बी सी तीन पार्टनर है, उसमें बी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट है, ठीक है, मतलब फर्म को 10,000 इस पार्टनर को देने हैं, ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा इस पार्टनर को उठाना है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रुपए, उसका पेमेंट फर्म ने कर दिया, ठीक है, ये किसको करना था? पार्टनर को। पेमेंट किसने किया? फर्म ने। तो एक तरीके से फर्म को 10,000 रुपए पार्टनर को देने हैं और पार्टनर को 1,000 रुपए फर्म को देने हैं। तो सीधा सीधा फर्म क्या बोलेगी, भाई तुझे हमें 1,000 देने हैं ना, मत दे, पर हम तुझे 10,000 नहीं देंगे, अब उसमें से 1,000 हटा दे, सीधा सीधा 9,000 देंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लियर, ये पूरा रियलाइजेशन कंसेप्ट था, ठीक है, अच्छे से देखिए। When firm has to bear the realization expense, when any partner has to bear the realization expense, and these are the accounting entries. ठीक है, expense payment by firm, expense payment by partner. In the second case, when partner paid the amount, when firm paid the amount. ठीक है, okay. दो तीन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी और बातें छोटी छोटी सुन लो, आ जाओ। पहली बात तो when question is silent, मतलब सिर्फ लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, ऐसा नहीं लिखा ये फर्म को बेयर करने थे कि पार्टनर को बेयर करने थे, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो यू ऑलवेज एज्यूम कि फर्म हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर पार्टनर बेयर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस तो वो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, ये बात क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। अब चलो दूसरी बात समझो। दूसरी बात ये है, ऐसा हो सकता है इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दो पॉइंट साथ में दिए हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। ऐसा हो सकता है कि हम किसी पार्टनर को, जैसे मैंने आपको लिक्विडेटर समझाया ना, हम किसी पार्टनर को बोले अरे प्लीज तुम ये सब हैंडल कर लो ना, पूरा रियलाइजेशन का सारा काम तुम हैंडल कर लो, पार्टनर बोलेगा ठीक है हैंडल कर लेते हैं, ठीक है हैंडल कर लेते हैं, तुम हैंडल कर लो ना प्लीज ये रियलाइजेशन का सारा काम, हाँ भाई कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। और पार्टनर बोलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों सारे पार्टनर की जिम्मेदारी लूँ, पूरा रियलाइजेशन का काम मैं हैंडल करूँ क्यों? तो हम बोलेंगे ना तुम्हें फीस दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे तुम्हें, ये सारा जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट करते, किसी बाहर वाले को अपॉइंट करते, उसको भी तो पैसे देने पड़ते। वैसे ही अब हम बाहर वाले को अपॉइंट नहीं करें, किसी पार्टनर को ही बोल रहे हैं कि तुम ये पूरी फॉर्म वर्म बंद करवा दो, पूरा ये काम तुम समेट लो। अब वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उसको कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, हाँ करना पड़ेगा, तो उसकी फीस का पेमेंट हो सकता है, तो ऐसा लिखा रह सकता है, कैसा? रियलाइजेशन फीस
पेड टू पार्टनर, ठीक है, मतलब उसने ये सारा काम किया तो इसके लिए हमने पार्टनर को रियलाइजेशन फीस दी है। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल, क्या ये खर्चा है? हाँ खर्चा है, फॉर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ रहा है कि ये ना सारी जिम्मेदारी तुमने उठाई फॉर्म को बंद करने की, उसके लिए हम तुम्हें एक फीस देंगे, तो ये फॉर्म के लिए तो खर्चा ही है, खर्चा कहाँ डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। और पैसे गए हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, सिंपल, बट दिस इज नॉट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दिस इज द रियलाइजेशन फी पेड टू पार्टनर फॉर हैंडलिंग द डिसोल्यूशन वर्क, सारा डिसोल्यूशन का काम संभालने के लिए पार्टनर को जो रियलाइजेशन फी दी जाती है, ये वो बात कर रहे हैं, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, रियलाइजेशन फी और रियलाइजेशन एक्सपेंस के पॉइंट को जनरली साथ में देते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस इतना है और जो पार्टनर डिसोल्यूशन का काम संभाल रहा है वो ही रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर भी करने वाला है, ऐसा दिया जाता है। क्या बोला मैंने, जैसे बी पार्टनर हमारे एग्जांपल में, तो ये दिया जाएगा कि बी पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब सारे डिसोल्यूशन में जो खर्चा होगा वो खर्चा बी पार्टनर उठाएगा, बी हैज टू बियर, उसने पेमेंट करा कि नहीं करा वो अलग बात है, वो तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो मतलब ये वाला केस अप्लाई हो गया, ये वाला व्हेन पार्टनर हैज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो क्या देंगे कि बी पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, बी पार्टनर बियर करेगा, एंड ये दे देंगे कि बी ही सारा डिसोल्यूशन का काम संभाल रहा है जिसके लिए हम उसे फीस दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन का जितना भी खर्चा है वो खर्चा बी उठा रहा है, बी उठा रहा है, ऐसा दे देंगे, तो ये सेकेंड केस जो आपको ये सेकेंड केस दिख रहा है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक एंट्री होगी। उसके साथ प्लस कॉम्बिनेशन में पॉइंट दे देंगे कि बी ही सारा डिसोल्यूशन का काम संभाल रहा है जिसके लिए हम बी को फीस दे रहे हैं, बी सारा डिसोल्यूशन का काम संभाल रहा है जिसके लिए हम फीस दे रहे हैं, तो उस केस में ये वाली एंट्री अप्लाई हो जाएगी। मैंने क्या बोला, इन दो पॉइंट को कंबाइन करके दिया जा सकता है कि व्हेन पार्टनर इज बियरिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड ही इज ओनली हैंडलिंग द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच द पेमेंट इज मेड, रियलाइजेशन का खर्चा पार्टनर उठा रहा है, मतलब वो पार्टनर की जिम्मेदारी है फर्म की नहीं, ये तो उनके आपस में एग्रीमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है, और वही सेम पार्टनर जो है सारा डिसोल्यूशन का काम भी संभाल रहा है जिसके लिए हम उसे फीस देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉम्बिनेशन में हो सकता है, या फर्स्ट पॉइंट भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि रियलाइजेशन का खर्चा फर्म उठा रही है लेकिन डिसोल्यूशन का सारा काम वो पार्टनर कर रहा है जिसके लिए हम रियलाइजेशन फीस दे रहे हैं, रियलाइजेशन का सारा खर्चा फॉर्म उठा रही है लेकिन उस फॉर्म को पूरा बंद कराने का काम इस पार्टनर का है जिसके लिए हम उसे फीस दे रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, और हमारा ये सेकेंड पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ठीक है, साथ में आ सकता है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल द 360 डिग्री कवरेज ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड द रियलाइजेशन फीस, ठीक है। यहां तक हमने अपना पूरा 360 डिग्री कवरेज कर लिया रियलाइजेशन एक्सपेंस का, ठीक है। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं, बहुत छोटे एंड बहुत इजी, मतलब आप खुद ही बोलिए मैम तो बड़े सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है। देखो जी पहला पॉइंट क्या, एक्सचेंज मतलब एक असेट है एक लाइबिलिटी है, मतलब क्वेश्चन में दिया हो सकता है ये दोनों को हमने एक्सचेंज कर लिया, मतलब क्या, जैसे देखो ध्यान, एक प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख की, क्रेडिटर को हमें 30,000 का पेमेंट करना है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या लाइन दी होगी कि हमने क्रेडिटर को 30% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे दी, क्वेश्चन में क्या लाइन दी होगी, हमने 30% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर को दे दी, बाकी 70% हमने बेच दी, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है
ठीक है, उसमें ये सारे असेट डेबिट हो जाते हैं, ठीक है, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। ये तो मैं आपको एंट्री बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं करती हूँ विजिबल, है ना, ठीक है ओके। जब उसके बाद अब हम कोई भी पैसा आता है, तो क्रेडिट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा होता है होता है होता है होता है। अब देखो जी, प्लांट एंड मशीनरी 70% तो सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की है, जिसमें से 70% तो आपने बेच दी, ठीक है। 70% मतलब 70,000 आपको पेमेंट आ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसे आ गए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है सिंपल। बैंक प्लांट एंड मशीनरी के पैसे, ठीक है ना। अब उस 30% का क्या, उस 30% का क्या, देखो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैम ये तो एंट्री हम खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। देखो 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 ध्यान से, अगर आप 30% प्लांट एंड मशीनरी बेचते, आप एंट्री क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30K, और आप इन क्रेडिटर को पेमेंट करते तो आप एंट्री क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 30K, यही एंट्री करते, यही एंट्री करते, यही एंट्री करते आप, है ना है ना है ना। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन ना ही पैसे जा रहे हैं, ना पैसे आ रहे हैं, ना पैसे जा रहे हैं। तो मैम हो क्या रहा है, एक असेट हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो यहां से असेट जा रहा है और यहां से क्रेडिटर भी कम हो रहा है। उतना ही असेट जा रहा है, उतना ही लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। 30,000 का असेट गया, 30,000 की लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा हो रही है, इसलिए इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब असेट से पैसा आता है तब हमें ये नहीं पता कि हमने इसमें से किससे किसका पेमेंट करा। हम तो बोलते हैं सारे असेट को पैसा आ गया, उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो, तो हम ये एंट्री करते हैं बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन जब हमें स्पेसिफिकली दे दिया है कि 30% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने क्रेडिटर को दे दी, मतलब उस प्लांट एंड मशीनरी से हमें पैसा नहीं आना, ठीक है, लेकिन हमें इस क्रेडिटर का भी तो पेमेंट नहीं करना, क्योंकि क्रेडिटर की जगह हमने उसे प्लांट एंड मशीनरी दे दी। जस्ट लाइक बार्टर एक्सचेंज, वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज, क्रेडिटर को पैसे की जगह हमने क्या दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी। तो ना ही प्लांट एंड मशीनरी से पैसे आए, ना ही क्रेडिटर को पेमेंट हुआ, इसीलिए ये एंट्री का कोई सेंस नहीं बना, ये एंट्री का कोई सेंस नहीं बना, है ना, इसीलिए ये एंट्री नहीं होती 30% की। बस यही बताना था मुझे आपको, ठीक है, इतना क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। तो क्रेडिटर भी खत्म, और क्या हुआ, और क्या हो गया, क्रेडिटर भी खत्म, वो 30% असेट भी खत्म, मतलब उस असेट से पैसे नहीं आएंगे, हमें पैसे नहीं आएंगे। क्रेडिटर और असेट तो हमने ऑलरेडी एंट्री करके खत्म करनी है, लेकिन जब एंट्री करते हैं ना, रियलाइजेशन टू बैंक पैसे जाने की और बैंक टू रियलाइजेशन पैसे आने की, वो इस 30% के लिए हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली पता है ना ही उस 30% के हमें पैसे आए हैं, ना ही उस 30% के हमने पैसे दिए, वो तो आपस में ही सेटल डाउन हो गए। आपस में क्या हो गया बच्चा लोग, सेटल डाउन, क्लियर 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 ओके ठीक है। चलो एक और पॉइंट है, अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, सबसे पहले ये याद रखना क्वेश्चन में इसके तीन, अभी क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओ। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मेरे साथ आप लोग सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैं सारे कंसेप्ट कवर कर रही हूँ। देखो क्या होता है, अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट दे सकते हैं, 20% असेट का लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया, पर होना यही है, सिंपल चीज यही है कि उस अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना पैसे आए ना पैसे गए,
ठीक है, क्लियर, डन, चलो आ जाओ। अब एक और ट्विस्ट होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दिया हो कि असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, अब देखो वो असेट पार्टनर ने ले लिया, अब क्या करेंगे? एक मेरी बात सुनना, असेट और लाइबिलिटी के सेट ऑफ में तो ऐसा होता है सारे असेट्स और लाइबिलिटी अब बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ना ही असेट है ना ही लाइबिलिटी, क्योंकि सब कुछ हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। लेकिन 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 पार्टनर्स के केस में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। तो सारे असेट तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि क्योंकि आप एंट्री कर चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो असेट इज ओवर, असेट अकाउंट नहीं है। लेकिन अब उसका पेमेंट आना है, पेमेंट तो आप एंट्री क्या करते हो असेट को बेच के, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, यही एंट्री हम करते हैं। अब मेरी जान पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स है, पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर जो है, क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट आता है पार्टनरशिप फॉर्म में, रियलाइजेशन अकाउंट में आता है? नहीं आता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपने क्लोज ही नहीं किया, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आता ही नहीं है। तो पार्टनर्स को दिए गए पैसे या पार्टनर से दिए गए पैसे का कोई भी ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता है। हाँ, अब क्या करें, मतलब इसकी कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री तो होने नहीं वाली है। जैसे लाइबिलिटी के केस में पैसे आते हैं और अगर हम पेमेंट करें तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री होती है, इसलिए ये 30,000 की तो हमने एंट्री हटा दी, करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ना पैसे आए ना पैसे गए, क्योंकि आते हैं पैसे तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं और उससे लाइबिलिटी का पेमेंट होता है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में आता ही नहीं है, तो पार्टनर से जो पैसे आए या पार्टनर से जो पैसे गए वो रियलाइजेशन अकाउंट में आते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एंट्री तो होल्ड कर रही है ना, क्योंकि वो असेट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया है। ठीक है, डाल दिया है, अब आप बोल रहे हो उसको बेचा नहीं, उसको किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, वो पार्टनर बोल रहा है ये असेट मैं लेके जा रहा हूं। अब भाई वो असेट अगर लेके जा रहा है तो असेट तो खत्म हो गया, पैसे आए क्या? पैसे नहीं आए, पर अब ये एंट्री तो होनी है, अब क्या करें बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि सारे असेट के रिगार्ड में हमारे पास पैसे आने चाहिए ना, है ना, जितने भी सारे असेट हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाले उन हर असेट के रिगार्ड में या तो हमारे पास पैसे आए हैं या कोई ना कोई लाइबिलिटी कम हुई है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, पैसे भी नहीं आए और लाइबिलिटी भी कम नहीं हुई, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लाइबिलिटी मानते नहीं है, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला ही नहीं है। तो अब एंट्री क्या करें, क्योंकि असेट तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए, उसके करस्पॉन्डिंग असेट को आप ले गए डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, रियलाइजेशन टू असेट। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग या तो पेमेंट आता है क्रेडिट साइड में या किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाता है, तो क्या होता है ना, क्रेडिट साइड को जाता है ना डेबिट साइड को जाता है लाइबिलिटी का पेमेंट, दोनों सेट ऑफ हो जाते हैं जो मैंने अभी समझाया। लेकिन पार्टनर तो लाइबिलिटी मानते ही नहीं है, तो अब करस्पॉन्डिंग क्या करें, तो किसी पार्टनर ने ले लिया है। सिंपल, फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देती है तो एंट्री क्या करती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है। तो इस केस में फर्म के असेट को किसी पार्टनर ने ले लिया ना, जैसे उसका सेम एग्जांपल देती हूँ, 10,000 का बैलेंस चल रहा है, अब उस पर्टिकुलर पार्टनर ने 2,000 का असेट फर्म का उठा के वो ले लिया, तो फर्म बोलेगी मुझे तुझे 10,000 देने थे लेकिन 2,000 तू पहले से ही असेट के नाम पे ले गया, अब मैं तुझे सिर्फ 8,000 दूंगी। इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। टू रियलाइजेशन, अब ये वाली चीज पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन में आएगी। पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होता रियलाइजेशन में, लेकिन व्हेन
एनी असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर. कोई असेट अगर कोई पार्टनर ले लेता तो हम बोलते हैं देखो हमें इतने पैसे देने थे, तेरा क्रेडिट बैलेंस इतना दिख रहा है, लेकिन तूने कोई असेट भी तो ले लिया, फर्म का असेट तूने ले लिया, मतलब हम तुझे अब इतने पैसे नहीं देंगे, कम देंगे. उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि सारे असेट हम रियलाइजेशन अकाउंट में लाए. अब उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमें दिखाना है कि उस असेट को बेच के हमें सारे पैसे आ गए, और जहां से पैसे नहीं आते तो मतलब कोई लायबिलिटी हमारी जरूर कम हुई होगी क्योंकि हमने उस लायबिलिटी के बदले में असेट दे दिया. लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब रियलाइजेशन में लेके नहीं आए हो तो मतलब लायबिलिटी भी कम नहीं हुई, तो इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग एंट्री हमें करनी पड़ेगी कि भाई वो असेट गया तो गया, कहा ना बिका, ना पैसे आए, ना कोई लायबिलिटी का पेमेंट हो, तो क्या हुआ उसका. रियलाइजेशन अकाउंट कैसे जस्टिफाई करेगा इस चीज को, इस एंट्री से, कि उसको किसी पार्टनर ने ले लिया है. इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट और रियलाइजेशन होता है क्रेडिट. सिमिलरली अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर दे, अभी तो इस केस में इसने असेट ले लिया, अगर ऐसा हो कि किसी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर दे, अब उस केस में अगर हम वैसे लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, सारी लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड लेकर आए हैं, कैसे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. उस लायबिलिटीज के करस्पॉन्डिंग एंट्री हम क्या करते हैं कि हमने इनका पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, या फिर उस लायबिलिटी के बदले में हमने कोई असेट दे दिया. अब रियलाइजेशन अकाउंट में 5 लायबिलिटीज दिख रही है, मान लो 3 लायबिलिटी का पेमेंट आपने कर दिया, चौथी लायबिलिटी का हमने बोला कि हमने इसको असेट दे दिया, तो चलो वो दोनों कॉन्ट्रा हो गई. फिफ्थ लायबिलिटी बोल रहे हैं कि पार्टनर ने पेमेंट कर दिया है, इसको कैसे जस्टिफाई करेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दिखाना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब पार्टनर ने पेमेंट करा है मतलब ये फर्म की लायबिलिटी है जिसका पेमेंट पार्टनर ने किया है. ऑलरेडी पार्टनर का बैलेंस 10,000 चल रहा है, मतलब हमें तुझे 10,000 चुकाने हैं. तूने हमारी और 2,000 की लायबिलिटी पे कर दी, मतलब वो हमें तुझे 12,000 चुकाने पड़ेंगे. इस केस में पार्टनर ने फर्म को दिया है कुछ, कैसे, फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करके, तो एंट्री क्या होगी इस केस में, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल. क्रेडिट साइड वो लायबिलिटी दिख रही है, डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखने लगेगा, रियलाइजेशन अकाउंट अब डेबिट हो गया ना. ठीक है, या तो फिर डेबिट साइड पैसा जाना दिखता है कि चलो उस लायबिलिटी का पेमेंट हो गया वो डेबिट साइड में, या किसी ने उस असेट ले लिया उस लायबिलिटी की जगह पे, तो फिर तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है. हर लायबिलिटी का रिफ्लेक्शन तो शो करना पड़ेगा ना. अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में 5 लायबिलिटी लाए हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इन लायबिलिटी का आपने पेमेंट कर दिया है, इस लायबिलिटी के बदले में आपने असेट दे दिया है, तो चलो वो तो दोनों साइड से सेट ऑफ हो जाता है जो मैंने आपको बताया. ये इस तरीके से ये सेट ऑफ एंट्री हो जाती है. ठीक है ना, पैसे आए ना गए इसीलिए. लेकिन पार्टनर ले ले तो हम क्या एंट्री करेंगे, अब देखो पैसे असेट तो गया ना, पार्टनर ने ले लिया गया, क्रेडिट तो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को क्योंकि हम उसमें उस असेट को लेकर आए, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर कैपिटल को, क्योंकि वो उस असेट को लेकर गया है. वैसे ही अगर लायबिलिटी का पेमेंट हुआ तो लायबिलिटी तो खत्म हो गई ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, पेमेंट तो हो गया ना एक तरीके से, लेकिन करा किसने, पार्टनर ने, इसलिए उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया पार्टनर. तो बैंक की जगह पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होता है. सिंपल, दिस वॉज फुल होल कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन. तो हमने आज क्या किया, पहला हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस का कंसेप्ट किया, फिर हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज देखी जहां पे असेट को मतलब लायबिलिटी के पेमेंट के लिए हमने असेट यूज कर लिया, या फिर पार्टनर किसी असेट को ले गए या पार्टनर ने किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया. ये हम सम्स में थोड़ा सा और भी समझेंगे और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आज हमारे सारे डिसोल्यूशन के कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए. हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डिसोल्यूशन के सम्स के ऊपर होगी. ठीक है, तो आप लोग प्लीज इन सारे कंसेप्ट को रिवाइज करके आना, क्योंकि जब मैं सम कराऊंगी आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे. ओके, ऐसे आराम से बैठेंगे नहीं, मेरे साथ सॉल्व करेंगे, तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तभी मैंने इतनी मेहनत करके पहले आपको सारे कंसेप्ट कवर करे, ताकि आप सम में ये ना बोल सको मैम ये तो आपने बताया नहीं ना कंसेप्ट, हम कैसे सॉल्व करें, नहीं चलेगा ऐसा. मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए, अब हम साथ मिलके सम सॉल्व करेंगे. ओके बच्चा लोग, चलो
keep smiling. Thank you everyone for listening so patiently. और please हंसते रहो. कोई भी problem है comment या WhatsApp करके पूछ सकते हो. बस tension लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, चलो bye bye.